हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड फार्मिंग सॉफ्टवेयर 23। तो मैं फिर से लेके आ चुका हूँ न्यू बनन का गेम प्ले। तो यहाँ पर जो है मैंने जेसीबी वाले ट्रैक्टर को लगा रहा है कल्टीवेटर पे, और मैंने जो है यहाँ पर साइड थोड़ी उल्टी कर दी, क्योंकि ये देखो भाई, ये अंडर पावर होता है, इस तरफ जाता है। तो कोई ना यार, ये जो है नेक्स्ट टाइम से इसको वैसे ही लगा देंगे। और यहाँ पर जो है ये इस वाले ट्रैक्टर को मैंने जो है ऑयल मिल पे भेजा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो फुल हो चुका है ये वाला ट्रेलर, और वहाँ पर भी जो है कम थे ऑयल, सॉरी ऑयल बोल रहा हूँ, ऑलिव। तो यहाँ पर जो है ये भी फुल हो चुकी है हार्वेस्टर, तो मैं इसको भी मैं अनलोड कर लेता हूँ इस वाले ट्रेलर में, ताकि ये फिर से हार्वेस्ट करने लग जाए। और भाई, ये आज का जो है हमारा टॉपिक है वो है ब्रेड बनाना। तो ब्रेड बनाएंगे हम, हमारे पास आटा पड़ा है वहाँ पर जाइन मिल पे, तो वहाँ पर से ला के और इधर बनाएंगे ब्रेड। और वैसे शायद डायरेक्ट से वहाँ पर लाने का ऑप्शन तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, और इस वाले ट्रैक्टर को ही लेके चलता हूँ मैं, जहाँ पर आटा है, और ट्रेलर को लेके चलता हूँ। और वो वाली जो हार्वेस्टर है ना, सनफ्लावर वाली, वो भी फुल हो चुकी है, तो उसमें भी हम ट्रेलर ले चलेंगे, और दोनों को ले चलेंगे साथ में चले जाएंगे भाई वैसे। और वैसे वो एक ट्रेलर का एक फ़ायदा है वो उस वाले का, उसमें ये है कि पीछे जो है आप किसी भी ट्रेलर को कनेक्ट कर सकते हो, उससे बड़ा वाला ट्रेलर है ना उसमें नहीं कर सकते भाई, इसी में कर सकते हो, ये जो सामने खड़ा है ना, और इससे छोटे है ना उसी में, उसमें भी नहीं कर सकते आप, इसी में कर सकते हो। या एक ये पहला नंबर का हमको मिलता है ना फार्म में, उसका तो मेरे को पता नहीं, उसमें शायद होगा, लेकिन उससे ये जो ओलिव मैंने भर रखे हैं उसमें भी नहीं कर सकते, और जो है इससे बड़ा वाला ट्रेलर आता है ना उसमें भी नहीं कर सकते। तो मेरे को ऐसे पता है, क्योंकि जो मैंने जो है अमेजोन में वो अभी अभी बाय किया है, वो रिसेंटली बाय किया, और मैंने चेक भी किया है, उसके पीछे कोई अटैच का ऑप्शन नहीं है, और मैंने करके भी देखा है नहीं होता भाई, ये एक ट्रेलर है जो अटैच कर पाता है, और इसलिए ये मैंने यहाँ पर रखा है इस वाले फार्म पे, क्योंकि जहाँ पर जो सनफ्लावर के ऑयल पैकेट निकलते हैं ना डिब्बे, तो वो लाने में आसानी रहती है, सनफ्लोर वहाँ पर अनलोड कर आता हूँ मैं, और इसमें जो है ले आता हूँ, तो दोनों काम एक ही बार में हो जाता है, तो समय बहुत काफ़ी कम लगता है, इस वजह से मैंने रख रखा है इस ट्रेलर को, नहीं तो मैं बड़ा वाला अपग्रेड कर लेता, और आप लोग बोलोगे तो मैं अपग्रेड कर लूँगा। आप कमेंट नहीं करते भाई, कमेंट किया करो भाई, क्योंकि जो है कमेंट करने से मेरा मोटिवेशन वो बढ़ता है, और लाइक कर दिया करो वीडियो को, और प्यारा सा सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, और नहीं लगती है तो भाई कमेंट में बता दिया करो, ताकि मेरे को भी पता लगे भाई कौन किस किस को नहीं लगती वीडियो अच्छी, और किस को लगती है। और यहाँ पर जो है इसको मैं कर लेता हूँ एक बार अनलोड, एक बार अनलोड करने की ज़रूरत है इसकी, और फिर जो है ये इतना ही है, अब तो ये फुल होगी नहीं, क्योंकि इतने बड़े फील्ड में इतने दूर में ये फुल हुई है, तो इतने दो चक्कर में तो क्या ही होगी, 20% भी नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, तो ये इतना काफ़ी है इसमें, अब ये फुल नहीं होगी। तो अब चलते हैं हम इनको जो ब्रेड है इनको लेके, तो इस ट्रेलर को तो मैं यहीं पे डिसकनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर जो है यहाँ रिवर्स करके और यहाँ पे डिसकनेक्ट कर देता हूँ, तो ये या तो हार्वेस्ट के पीछे जो है इसको अटैच करके ले आऊँगा, या फिर ट्रैक्टर के पीछे ले आऊँ, क्योंकि जो है हार्वेस्टर के पीछे भी भाई अटैच हो जाता है ये वाला ट्रेलर, और बाकी का तो पता नहीं मेरे को, लेकिन ये वाला तो हो जाता है। तो ये भी मेरे को ये बढ़िया चीज़ लगी इसमें, कि आपके पास ट्रैक्टर नहीं है फिर ही तो हार्वेस्टर के पीछे ला सकते हो आप, F20 में नहीं ला सकते थे लेकिन इसमें ला सकते हो। और 4 डिब्बे हैं वो भी और आएंगे क्या, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं शायद आ जाए, तब तक हम ये वाली भी फुल होने वाली है, ये ग्रास का ट्रेलर है, ये यहाँ पर अनलोड कर देता हूँ मैं, क्योंकि जो है हमारी जो शिप है इनके पास खाना नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर कर देता हूँ अनलोड। हाँ हो गया, बहुत जल्दी हो जाता है भाई वैसे। ठीक है, अभी जो है लेके चलता हूँ मैं काउस के पास, अब यार मैं ट्रैक्टर को कहाँ पर फंसा दिया, यहाँ पर गलत ही फंसा दिया मैंने, ये रिवर्स नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, अब नहीं जाएगा यार, ये फंस गया यहाँ पर, थोड़ा सा भी चला जाए ना तो इधर से एक निकाल लूँ मैं, निकल नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, ट्रेलर को डिस्कनेक्ट करता हूँ एक बार, क्या पता निकल जाए।
यार नहीं निकलेगा, मैंने गलत पंगा ले लिया। मैंने सोचा था कि इधर से लेके रिवर्स ले लूँगा, लेकिन ये जो है इधर खड्डा था तो इस वजह से रुका भी नहीं यार, ये डायरेक्ट चला गया। अरे यार नहीं जाएगा, इसको रीशेड करूँ या फिर एक काम करता हूँ, ट्रैक्टर से धक्का मारता हूँ, क्या पता निकल जाए। अभी 4 ब्रेड और आ चुके हैं तो अभी वेट करता हूँ, क्या पता और मिल जाए। इससे थोड़ा सा धक्का मारता हूँ ट्रेलर से पीछे, या फिर रीशेड करेंगे तो भाई ये जो है हमने ग्रास पिक कर रखा है इसमें, ये सारा का सारा चला जाएगा। नहीं भाई ये तो हिल भी नहीं रहा। हाँ इधर तो हुआ एक बार, इधर हो जाए ना एक बार तो ये फिर तो निकल जाएगा। एक बार ट्रैक्टर ऊपर आ जाए ना वो वाला, ये भी फंस गया क्या? ये लो भाई ये निकल गया, निकल गया, ये तो निकल गया। अब चेक करता हूँ उसको, निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। लगा भाई जोर लगा, नहीं भाई ये फंस चुका है। नहीं यार ये नहीं निकल रहा, क्योंकि आगे जो है वो वॉल बन रखी है, इनविजिबल पोल बन रखी है। ये काम करता हूँ ना भाई, ये न्यू हॉलैंड वाले से इधर अटैच करके और फिर ये ट्रेलर को निकालता हूँ, फिर तो निकल ही जाएगा ना। और इसको थोड़ा सा ध्यान से ड्राइव करता हूँ, क्योंकि ये वाला अटक जाएगा ना तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है इधर से करता हूँ इसको अटैच, वैसे मैं उधर मुँह करके इसको अटैच करता ना वो ठीक रहता है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ इसको, क्योंकि फिर अटक जाएगा ये। हाँ हो तो गया अटैच। नहीं यार ये नहीं निकलेगा, लो भाई यहाँ पर जो है काफ़ी टाइम में लगाने के बाद ही निकल तो गया। और अब जो है इस पर ड्राइव साइन कर देता हूँ, क्योंकि इसको पहुँचाना है काऊ फार्म पे, तो काऊ फार्म पे मैं लगा देता हूँ इस पर ड्राइवर साइन, तो ये ले जाएगा। एक बार देखता हूँ वहाँ चल गया। और इस वाले हार्वेस्टर को करता हूँ थोड़ा साइड में, क्योंकि साइड में नहीं कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमको करना है हार्वेस्टर। और भी क्रॉप है हमारे पास, वीट हो, वीट भी है और सोरगुम भी है, तो उसको प्लांट करना है तो उस उधर ही ले चलता हूँ इसको। और ये वाला हेल्पर रुक गया है यहाँ पे, रुक गया मेरे हिसाब से, ये शायद पेड़ की वजह से रुक गया। कोई ना इसको भी ले चलेंगे। और अभी जो है यार इधर जो है ये जालियाँ लगी हुई है यार, ये थोड़ा सा इसमें काम गड़बड़ है। वैसे तो यार इसका रूल यार था, हम क्या गड़बड़ है, हमको पसंद नहीं है तो क्या हुआ, और को तो पसंद है ना। कोई ना यहाँ पर जो इधर से लेके चलेंगे हम। और वैसे मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक बहुत कम खेलता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे हिसाब से तो खेल रहा हूँ लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो अभी जो है इसको मैं करता हूँ इसमें अनलोड, और इसी से ले चलता हूँ यहाँ पर जो इस हेडर को, तो यहाँ पर ही डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ इसकी तो यहीं पे ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये फार्म भी हमारा ही है, तो यहाँ पर कोई कहने वाला भी नहीं है भाई कि ये यहाँ पर इधर आपने क्यों खड़ा कर रखा है। तो इस वाली जो है हार्वेस्टर को तो मैं कर देता हूँ एक बार ड्राइवर साइन, तो ये ड्राइवर ले जाएगा इसको। कहाँ करूँ भाई, इसको यहाँ पर कर देता हूँ, एक बार चलने देता हूँ इसको, चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि हार्वेस्टर पे बाइक बहुत कम लगता है ड्राइवर। ये देखो फिर से करता हूँ एक बार, हाँ चल गई इस बार। और इसको फिर से एक लगाता हूँ मैं यहाँ पर, क्यों कटाया मेरे को पता नहीं है। तो इसको इस बार इधर से लगा देता हूँ इस वाले कोने से, चलो ये कर देगा। और ये वाला ट्रैक्टर अभी यहीं पे खड़ा है, इससे ही निकला था भाई वो, ये नहीं होता तो भाई नहीं निकलता वो, ये नहीं होता तो फिर रीसेट करना पड़ता। ये देखो भाई थोड़ी सी चल के फिर रुक क्यों गई है, इसने पहुंचा दिया तो इसको डाल देता हूँ एक बार। हार्वेस्टर के अलग ही नशे है भाई, हेडर होना तो हेडर अटैच होना पीछे, तो तब तो ये चलता ही नहीं। और इस वाले को भी वापस ले चलता हूँ मैं, क्योंकि जो है अभी इसको घुमाने में थोड़ा सा दिक्कत है, इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ एक बार। और इसको फिर से लगा के देखता हूँ क्या हुआ भाई, नहीं लग रहा, रोड पे लेके चलता हूँ एक बार।
आप बोलोगे इतनी देर में, दो भाई आप ऐसे ही ले जाते हो इसको, चलो ऐसे ही लेके चलता हूँ एक बार इसको। एक काम करता हूँ ना भाई, चलो कोई ना, इसको ही लेके चलता हूँ एक बार ऐसे ही, फिर आके उस ट्रैक्टर को ले आऊँगा, क्योंकि टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। अभी जो ड्राइवर साइन करूँगा फिर से वो नहीं लेके जाएगा, फिर लगाऊंगा फिर नहीं लेके जाएगा, तो वो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये मैं खुद ही मैनुअली ड्राइव करके लेके चलता हूँ इसको, वो सही रहेगा। और हार्वेस्टर को भी भाई अपग्रेड करेगा, क्या बोलते हो? अपग्रेड क्या करें वैसे भाई, हमारे पास मनी तो बन नहीं पा रही है, और वैसे ग्रास तो काफ़ी है हमारे पास, ग्रास की तो कोई कमी नहीं है, बस साइलेज वगैरह बनाने के लिए वो कम पड़ेगा हमारे पास। तो वो और खेत बाई करने की सोच रहा हूँ, और फिर उसमें प्लांट करूँगा मैं ग्रास। और अभी जो है इस वाले हाइड्रो को करता हूँ कनेक्ट, और वीट पे लगाता हूँ सबसे पहले तो ये, क्योंकि ये इधर ही खड़ा है तो इधर ही लगा देता हूँ एक बार। चलो इस पे लगाता हूँ ड्राइवर को, और अब चलता हूँ उस वाले ट्रैक्टर में। अभी जो है ट्रेलर को अटैच करना पड़ेगा, और इसके पीछे लगाना पड़ेगा वो वाला, क्योंकि उसके पीछे तो लगता नहीं है, इसी के पीछे लगता है। तो ये देखो भाई, ये इसीलिए बोल रहा था कि ये वाला ट्रेलर बेस्ट है, क्योंकि एक ही बार में दो काम हो गए ना, कि इस वाले ट्रेलर को ले भी आए हम, और अभी वापस भी लेकर चलेंगे। तो ये हो चुका है अटैच, और ये वाले लोड कर लेता हूँ। अभी देखता हूँ कि और है कि नहीं है इसमें, मेरे हिसाब से तो नहीं है अभी है भाई। अभी कहाँ पर है आटा, ये वाला ये रहा। अभी 28,000 लिया, सॉरी 28,000 बोल रहा हूँ, 2,883 लीटर है तो सही भाई। आ गया, 2 डिब्बे आए भाई, 2 डिब्बे आ गए, पर अभी तो हम लोड कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा ट्रेलर जो है वो फुल हो चुका है, इस वजह से हम अब लोड नहीं कर सकते इसमें। और अभी जो मैं बेकरी पे पहुंच के फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई यहाँ पर जो है हम पहुँच चुके हैं बेकरी पे, और अब जो है डाल के देखते हैं कि कितना लीटर जाएगा और कितना हमको जो है ब्रेड मिलेगा। तो ये है अनलोडिंग का पॉइंट, और अनलोडिंग के पॉइंट पे ही खड़ा हूँ मैं शायद, मेरे हिसाब से हाँ अनलोडिंग का पॉइंट ही है। अभी जो है अनलोड हो चुके हैं, 4 और रह गए इसमें। और ब्लॉक कौन सा हो गया भाई? एक ट्रैक्टर को मैंने जो है ऑयल मेल भी भेज दिया है, जो न्यू ओलैंड वाला लग रखा था ना इस पे, तो उसमें मैंने ऑयल मिल पे भेज दिया सनफ्लोर अनलोड करने के लिए। और इधर जो है अभी जो है हमारे पास ब्रेड, ये वाला ब्रेड बन रहा है भाई, तो 11,999 लीटर आया है फ्लूर, और हमको देगा ये तकरीबन तकरीबन 6,000 के अराउंड देगा, 6,000 लीटर ब्रेड बन के आएगा। 2 लीटर का 1 लीटर ब्रेड बनता है, तो इस हिसाब से 6,000 के अराउंड ये हमको देगा मैक्सिमम। और मैं एक बार देखता हूँ कि जो है जो ये वाली प्योर बन रही है ये डिस्ट्रीब्यूट होती है कि नहीं उसकी, क्योंकि फिर हमको बार बार डालने की ज़रूरत होगी नहीं। हो तो रही है भाई डिस्ट्रीब्यूट, अब देखते हैं कि होती है कि नहीं होती, वो तो थोड़ी सी बनने के बाद ही पता चलेगा कि होती है कि नहीं होती। वैसे फैब्रिक वाली तो होती ही है, होती है कि नहीं होती वो तो शायद चलने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो कुछ पता चलेगा नहीं भाई इसका। तो ये फैब्रिक, सॉरी फैब्रिक बोल रहा हूँ, ये जो क्या बोलते हैं यार, अभी तो मैंने नाम लिया था अभी भूल गया मैं, ब्रेड, हाँ ब्रेड जो बन के आएगी वो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे बनने के बाद कैसे दिखती है ब्रेड, तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको। और अभी जो है ये वाली हार्वेस्टरी फुल हो गई क्या? हाँ फुल हुई है, तो इसको भी मैं अनलोड कर लेता हूँ ताकि हार्वेस्टिंग भी फिर से लग जाए, नहीं तो ये खड़ी रहेगी यहीं पे। लो भाई, और ये जो ब्लॉक हो रहा है ये कौन सा हेल्पर हो रहा है भाई, अभी चेक करना पड़ेगा, बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है। ये तो चल रहा है ठीक, अच्छा ये हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है, इसके तो कुछ आगे आ ही नहीं रहा, और इधर भी इसने छोड़ रखी है भाई, ये हमको खुद से मैनुअली करना पड़ेगा ड्राइव करके, पता नहीं क्या चक्कर है, इसके भी अलग ही नशे है भाई। जो ये है ना वैसे करके लगाता हूँ ना इस तरफ से, तो ये बीच में से भाग के भाई इस पहाड़ पे चढ़ जाता है ये हेल्पर, आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगा मैं। इसमें भाई हेल्पर को लेके बहुत बड़ा ग्लिच है, इसको फिक्स करना चाहिए जाइंट सॉफ्टवेयर वालों को। आई होप कि जाइंट सॉफ्टवेयर वालों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको पता चले भाई ये क्या क्या ग्लिच चल रहा है उनके गेम में।
पर भाई कई बंदों ने बना रखी होगी पहले से ही, तो पता होगा उनको। और नहीं बताओ तो आप मेल करना भाई, मेल करते रहो, क्योंकि जितनी जल्दी आप मेल करोगे, जितनी ज़्यादा मेल करोगे ना, उतनी जल्दी नेक्स्ट अपडेट आएगी। इस बार भी आपने मेल किया था, तभी 1 महीने के अंदर अपडेट आ गई, तो आप फिर से मेल करो तो आप ये क्रैश वाली प्रॉब्लम और लेग वाली प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है भाई, अदरवाइज तो यहीं सहना पड़ेगा। और आई होप कि नेक्स्ट वाली अपडेट में भाई क्रैश वाली प्रॉब्लम हो वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस वाली अपडेट में तो ख़त्म नहीं हुई, ख़त्म होने की बजाय ज़्यादा बढ़ गई। तो ये जो मेरे पास वर्जन है 0.7 का वर्जन है, और 0.8 में तो चलती ही नहीं वही गेम, तो मैंने ओल्ड वाला ही रखा है अभी। और नेक्स्ट वाली आएगी ना तभी मैं अपडेट करूँगा, क्योंकि ये 8 वाले वर्जन में तो चलता नहीं गेम, तो उसको अपडेट करने का क्या फ़ायदा। अपडेट किया था फिर मैंने वापस से 7 का अपडेट कर लिया, क्योंकि उसमें चला ही नहीं, गेम स्टार्ट होने से पहले क्रैश हो जाता था, तो उसका कोई मतलब है नहीं उसमें। तो ये है, ये एक चीज़ फिक्स की है उसमें कि मोड वगैरह नहीं लगा सकते 0.8 वाली में, और मनी हैक भी नहीं कर सकते, बस यही फिक्स किया है उसमें, और कुछ बाकी ज़्यादा बड़ा तो किया नहीं है। ये यहाँ जो है इसको कल्टीवेटर को यहीं पे खड़ा कर देता हूँ, क्योंकि यहीं पे ये ज़रूरत है इसकी, तो इधर खड़ा कर देता हूँ। और जो है सनफ्लावर के लिए सीडिंग के लिए सीडर लगा देता हूँ, सीडर यहीं पे खड़ा है हमारा, ये देखो ये रहा। ये भाई जो कभी कभी है ना, ये जो वाला जोस्टिक है या फिर ये क्या है स्पीड वाला, ये मेरे से दबता नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ये चल रहा है ट्रैक्टर पीछे, और फिर इसकी तरफ देखता हूँ तो भाई ये दबा ही नहीं, ये मेरे साथ कई बार हुआ है। ये मैं सोचता ना कि ये गिलीच है, गिलीच नहीं है भाई, ये तो है दबाने का फ़र्क है, ये दबता नहीं है कभी कभी, उंगली इस पर टैप होती नहीं है और ये मानता नहीं है। तो इधर ये आ चुका है, ये देखो इसके अलग ही नशे हैं। मैंने जो है हेल्पर कहाँ से लगाया था, अरे कहाँ पर आ गया, मैंने जो है फार्म साइलो से लगाया था यहाँ पर इस हेल्पर को, और ये इधर आके खड़ा हुआ है। ये देखो ये हेल्पर को मैं बोल रहा था ना, हेल्पर को लेके बहुत बड़ा गिलीच है इसमें, देख लो भाई आपके लाइव आपको दिख गया होगा। तो इसको जो है फिर से लगा देता हूँ हेल्पर को, क्योंकि अभी जो है सनफ्लावर और पड़ी हुई है साइलो में, तो उसको साइलो में रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ऑयल के डिब्बे चाहिए हमको, तो ऑयल बनाने के लिए ऑयल मिल पे सेंड कर देता हूँ इनको। अभी 20,000 और है हमारे पास, तो अभी तो इनसे तो ये ट्रेलर भरेगा नहीं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है 24,000 लीटर है, बस इतना ही आएगा। हाँ इतना ही आएगा, तो फिर से लगा देता हूँ इसको, डिलीवरी ऑयल मिल ठीक है। और अब ये देखो यहाँ पर ब्लॉक हो गया ये, तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, और ट्रेलर को तो यहीं पे रहने देता हूँ, और इस पे लगा देता हूँ सीडर के लिए, क्योंकि जो है हार्वेस्ट ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो इसकी जगह पे मैं ये सीडर लगा देता हूँ। और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि वीट ना लगा के सोरगुम लगा दूँ या फिर वीट लगाऊँ, क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा तो वैसे ओट का मिलता है, ये आटा सबसे ज़्यादा मात्रा में हमको ओट ओट से मिलेगा, वो क्यों मिलेगा वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन ओट का ये है कि ओट कम निकलती है और वीट जो है वो ज़्यादा निकलती है। तो बात एक ही है, जैसे कोई सी क्रॉप आप प्लांट कर लो आपको बराबर ही मिलेगा। तो अभी जो मैं ओट प्लांट कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, और ये वाली हार्वेस्टर फुल हो गई और कंप्लीट पे कर दिया इसने काम, तो ये सही रहेगा। और अभी जो है मैं इसको लगा देता हूँ उस वाले फील्ड में, उस वाले फील्ड में है शोरूम प्लांट की हुई है, तो शोरूम के लिए लगा देता हूँ इसको। और चलो भाई आज का गेम प्ले जो है वो ज़्यादा ही लंबा हो गया मेरे हिसाब से, तो इसको यहीं पे एंड करता हूँ, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।